हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और आज बृहस्पतिवार का दिन है और मैं आज से बृहस्पतिवार का व्रत स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये पीला वाला ड्रेस मैं पहनूंगी, पटियाला ड्रेस है। और वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। बृहस्पतिवार व्रत करने के लिए मैंने लिया है ये पूजा का थाली, जिसमें है सबसे पहले तो बृहस्पति भगवान, और इनको मैंने ये पीला वस्त्र से सुशोभित किया है, सजाया है। बृहस्पतिवार व्रत कथा का बुक, लोटे में जल, घी का दिया, घंटी, और ये प्रसाद जो चढ़ाऊंगी मैं, इसमें है चना दाल, गुड़, किशमिश और तुलसी पत्ता। ये बृहस्पति भगवान को बहुत पसंद है। फिर पीला फूल, पीला गेंदे का फूल है, और केला, और इसमें है पीला चंदन और धूप, और यहाँ पे है केला का पेड़। ये हम लोग कल ही लेकर आए थे पूजा करने के लिए। और ये है सोनल की पूजा सामग्री। सोनल भी आज से स्टार्ट कर रही है पूजा करना बृहस्पति भगवान का, तो उसने ये चढ़ाया है, फल चढ़ाया और ये प्रसाद चढ़ा चुकी है ये। और यहाँ पे इसकी पूजा की पूरी तैयारी कर रखी है इसने। मैं लेट हूँ एक्चुअली, तो हम दोनों ही स्टार्ट करें, और बहुत अच्छा लग रहा है आज पूजा करके, और साथ में करने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और सोनल भी स्टार्ट कर रही है, तो थोड़ा सा कल्चर हमारा अलग है क्योंकि मैं बिहार से हूँ और ये झारखंड से है, तो थोड़ा सा अच्छा है, अलग कल्चर है। देखते हैं, आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा लेट हो गया है, अगली बार से जल्दी करेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। और हम लोग पीला कपड़ा पहने हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसने भी पीला पहना है, पीला, और मैंने भी पीला ये पटियाला पहना है। अभी सोनल कर रही है पूजा। विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत करने की महिमा। बृहस्पतिवार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण होती है। इसके व्रत करने से देव गुरु महाराज बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या, बुद्धि, धन, धान्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न कर सबके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता है और महान शक्तिशाली है। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनका परिवार सर्वदा सुखी रहता है और उनके घर में सर्वदा शांति बनी रहती है। अतः यह व्रत सब व्रतों में उत्तम और बहुत ही फलदायक है। स्त्री हो या पुरुष,
सभी के लिए यह व्रत सुखदायक एवं हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। जिन लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत किया है उन सबके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। जो स्त्री पुरुष बृहस्पतिवार का व्रत करें उन्हें बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में मिट्टी तथा साबुन आदि न लगाना चाहिए, न सिर मलना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत को दिन में एक समय का आहार भोजन करना योग्य है। व्रत करने वाले को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, और जहाँ वह बृहस्पति की मूर्ति स्थापित हो वहाँ जाकर उनकी मूर्ति की पूजा करें, और जहाँ ना हो वहाँ इनके नियम अनुसार सर्वत्र पूजा करना योग्य है। इनके व्रति को भोजन हेतु चने का दाल, चने का हलवा और केला आदि इस प्रकार पीला आहार करना योग्य है। व्रति को योग्य है कि उस दिन नमक का सर्वथा परित्याग करे, वह पीला वस्त्र पहने, पीत पुष्प ग्रहण करे, पीला फल लेवे और इस प्रकार पीला चंदन, पीला वस्त्र और पीले फूल से ही उनकी पूजा करे। हाथ में चने का दाल, गुड़ और पीला फूल लेकर बड़े प्रेम से बृहस्पति की इस कथा को मनुष्य पीले वस्त्र में चने की दाल, बतासा और धातु में सोना अथवा पीतल लेकर बृहस्पति भगवान को अर्पण कर पूजा करें, पश्चात कथा सुने। यही बृहस्पति भगवान की पूजा की विधि कही गई है। बृहस्पति भगवान की प्रसन्नता के लिए बृहस्पति के दिन व्रत करके श्री विष्णु भगवान की पूजा करें, और यदि ऐसा अवसर उपलब्ध ना हो तो केले के वृक्ष में जल डालें। बृहस्पति जी की कथा सुनने और पूजन करने में व्रत करने वाले का मन, वचन और कर्म से सर्वथा शुद्ध रहना चाहिए, और जब तक कथा सुने वहाँ से उठे नहीं और ना बोले, अर्थात मौन भाव से सुने। इस प्रकार बृहस्पति जी उनमें विश्वास और हितकामना की भावना रखे। बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए व्रती को अथवा कोई भी दुखी या सुखी मनुष्य पुखराज की अंगूठी धारण करे, इससे बृहस्पति जी उस पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा की पहली कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण गुरु देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं जाता था। वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फूल फल और नैवेद्य आदि उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राजा की यह बातें और धार्मिक दान्य पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐसो आराम में लगी रहती और मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान्य पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि नहीं लगता था। वह बड़ा ही कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती थी और कहती थी कि आप सब यह क्यों करते हैं, किंतु यह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने कार्य किया करता था। उसका यह नतीजा यह था कि राजा की धर्मशीलता उसकी रानी का कोई भी अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। ये हमारी दीदी है, एक और दोस्त है हमारी, हमारी पड़ोसन, हमारी दीदी, ठीक है। अभी सोना देगी प्रसाद हम लोग आज। प्रसाद वितरण का प्रोसेस चालू है, राइट हैंड में लेना। और ये फ्रूट्स कट किया मैंने, नाशपाती, एप्पल और कीवी, अभी यही खाऊंगी क्योंकि आज के दिन जो है वो एक ही टाइप का खाना खाना होता है, तो अभी मैं फ्रूट्स खाऊंगी।
अभी शाम का टाइम है और अभी जा रहे हैं शाम की आरती करने के लिए। मैं और सोनल और सामने वाली भाभी वो भी आ रहे हैं, ज्वाइन करेंगे हम लोगों को। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे लिए तो ये थर्सडे है, आज का दिन है और शायद आपको ये वीडियो कल मिले या परसों मिले, बट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। और साथ में पूजा करके बहुत अच्छा लगा मुझे भी और सोनल को भी। और जो नए सब्सक्राइबर उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी शाम के 6:30 हुए हैं और इसके बाद जाऊंगी ऊपर, कहते हैं ना बिना नमक का खाना खाना होता है, तो वो बनाऊंगी पति देव के लिए, नमक वाला बनाऊंगी, अपने लिए बिना नमक का बनाऊंगी, फिर खाऊंगी, है ना। तुम क्या बनाने वाले हो? मैं बेसन का हलवा बनाऊंगी। अच्छा, और कुछ सूजी का भी बना लूँगी और फ्रूट्स भी लाई हूँ साथ में। तो सोनल ये सब खाने वाली है, तो देखते हैं अभी भाभी आती हैं तो फिर आरती शुरू करेंगे। तुम भी आरती कर लो। एक्चुअली हमारे घर में बालकनी नहीं है और ये ऐसा कवर जैसा है खिड़की पे लोहे का, इसीलिए केला का जो पेड़ है हमने यहाँ पे लगाया है। तो आप लोग ऑफेंड नहीं होइएगा देखकर, क्योंकि एडजस्टमेंट करना पड़ता है ऐसे अगर हम लोग बाहर में रहते हैं तो। और देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आज फास्टिंग है तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी का भुजिया। मिर्ची डाली है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि बिना नमक के खाना है तो उसके अनुसार टेस्ट रखूँगी मैं। और ये देखिए मेरा ये डब्बा अलग है मसाले का, अभी दो डब्बा खाली है। इसमें जीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है और अजवाइन है और आई गेस ये सब्जी मसाला है। अभी कढ़ाई यहाँ रख दिया है गर्म होने के लिए, जैसे ये गर्म होगा फिर मैं इसमें भुजिया बनाऊँगी आलू गोभी का और इधर रोटी बनाऊँगी साथ ही। मैंने मेरे लिए बिना नमक का भुजिया निकाल लिया है और बाकी भुजिया में मैंने नमक डाल दिया है जो मेरे रोहित जी खाएंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। मैं नॉनस्टिक बर्तन ही यूज़ करती हूँ और मेरा पूजा में खाना बनाने का बर्तन बिल्कुल अलग है। और खाना बन गया है और मैं खाने जा रही हूँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैंने मेरे प्लेट में लिया है प्रसाद जिसमें चना दाल है, क्योंकि अन्न एक ही टाइम खाते हैं। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। लव यू, टेक।